खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ का हफ्ते को दुबई रवाना होने का इम्कान है। वहां एक दिन रुककर लंदन चले जाएंगे। लंदन में दो दिन क्याम के बाद अमेरिका रवाना होंगे। नवंबर में मरियम नवाज लंदन जाएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज फैमिली के साथ नवंबर में यूरोप के दौरे पर निकल जाएंगे, यानी के नवम्बर में शरीफ खानदान जो है वो पाकिस्तान से फरार हो रहा है। क्यों फरार हो रहा है आप सबको बताते हैं। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को अब ये लगता है कि क्योंकि तरमीम तो हमने पास कर ली है जोर जबरदस्ती से, लेकिन इस तरमीम के खिलाफ जो है बहुत सी तहरीकें जो हैं वो जन्म लेंगी। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को पता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। इस वजह से नवाज शरीफ को जो है वो फेस सेविंग दी जा रही है और उनको लंदन भेजा जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि क्या ताकतवर हल्के नवाज शरीफ को जाने देंगे। दूसरी जानिब एक तहरीक जो है वो पाकिस्तान में अभी से जोर पकड़ती जा रही है और वो है पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स की तहरीक। पंजाब कॉलेज में जो है वो रेप का वाकया सामने आया था, जिसके बाद काफी हालात जो थे वो खराब हुए हैं। अब पंजाब यूनिवर्सिटी में भी दोस्तों हालात खराब होने लग पड़े हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस दाखिल हो गई और बच्चों को रोकने लगी। आप ये वीडियो देखें जरा। वो पिछों आ गई। तो ये हालात दोस्तों दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और शरीफ ख़ानदान को पता लग चुका है कि ये हालात अब उनके कंट्रोल से बाहर भी हो सकते हैं। और अगर कोई एक और वाकया यहाँ पर पेश आ गया तो फिर पंजाब में नून लीग की हुकूमत जो है वो घर जाएगी। पंजाब से घर चली गई तो जाहिर सी बात है कि वफाक में भी उनको घर जाना होगा।